स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भोपाल के कोयफिजा इलाके में एक जिम ट्रेनर ने एक युवती से भैला फुसलाकर दुष्कर्म कर दिया। बताया जा रहा है कि युवती का जिम में आना जाना था, तभी दोनों की दोस्ती हो गई। दोस्ती प्रेम में बदल गई और शादी का एक दूसरे ने वादा कर लिया और साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। बता दें कि युवती पहले से ही शादीशुदा है, जो अपने पति को छोड़कर आरोपी आमिर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। बताया जा रहा है कि आरोपी आमिर और युवती के एक साथ गोरखपुर गए थे। इसी का फायदा उठाकर आरोपी अमीर ने युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई। जब युवती ने जब जिम ट्रेनर से शादी करने का दबाव बनाया तो वो मुखर गया। पीड़िता ने अपने साथ हुए धोखे की वारदात कोयफिजा पुलिस को बताई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी जिम ट्रेनर आमिर अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा ने बताया कि पूर्व से ही जिम ट्रेनर और युवती की जान पहचान थी। इसका फायदा उठाकर आरोपी ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ बलात्कार किया। पुलिस अभी आरोपी की तलाश कर रही है। जल्द से जल्द उसे पकड़ न्यायालय पेश किया जाएगा। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। और पीड़िता के द्वारा बताया गया था कि आमिर नाम का व्यक्ति है, जिसके द्वारा बहला फुसला करके और शादी का झांसा देकर जो उसके साथ में संबंध बनाए गए हैं, काफ़ी लंबे समय से संबंध बना रहा है, वो शादी से मुकर गया है। उस पर से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपी गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है, जल्दी आरोपी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। आरोपी रहने वाला कहाँ का है और किस तरह उसकी मुलाकात मिली थी? वो बेसिकली दाता कॉलोनी का ही रहने वाला है। पहले कहीं जिम में कहीं आता जाता था, जहाँ पर पीड़िता के साथ में उसकी मेल मुलाकात हुई थी। लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं और उसी का फायदा लेकर के उसके द्वारा दुष्कर्म किया गया है, जिस पर से प्राथमिकी दर्ज की गई। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।